सकते हो किस तरीके से ये अपने अंतिम समय को गुजर बसर करेगी, किस तरीके से इसको चलना पड़ता है दो वक्त के खाने के लिए, और आप देख सकते हो किस तरीके से इसको पानी पीने के लिए दूर तक जाना पड़ता होगा। तो यदि हम लोगों को पता चलिए जय परोपकार जय परोपकार। आप देख सकते हो मेरे वीडियो के माध्यम से एक जीव का दर्द। यह एक कुत्ता है जो कि मनुष्य का बहुत ही वफादार और मनुष्य के लिए अपनी जान तक देने वाला जीव। आप देख सकते हो जब इसको मनुष्य की आवश्यकता है तो कोई भी मनुष्य इसकी उस तरीके से मदद नहीं कर रहा है जिस तरीके से यह जीव कुत्ता जब किसी मालिक के पास होता है तो यह उसकी जो मदद करता है। लेकिन क्या है कि धरती पर किसी भी चीज़ की नापैद नहीं होती है, तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने के इसके दर्द को पास से आकर जाना। ये मेरा छोटा सा भाई दुष्यंत ठाकुर छोटा लड़का है, लेकिन छोटा लड़का होते हुए भी इसके दिल में इतना स्नेह इतना प्रेम जीवों के लिए। आप देख सकते हो किस तरीके से ये अपने अंतिम समय को गुजर बसर करेगी, किस तरीके से इसको चलना पड़ता है दो वक्त के खाने के लिए, और आप देख सकते हो किस तरीके से इसको पानी पीने के लिए दूर तक जाना पड़ता होगा। तो यदि हम लोगों को पता चलिए इसका, तो मेरी आदरणीय बहन इन जीवों की बहुत ही सराहनीय सहयोग और बहुत ही सराहनीय सेवा करती हैं, अलीसा सिंह जी आगरा से। तो हम लोग इस कुत्ते को अलीसा सिंह जी के सानिध्य में पहुंचाएंगे, वहां पर इसका समुचित उपचार किया जाएगा, और यदि इसका ट्रीटमेंट भी हो सकता होगा और इसको ठीक भी किया जा सकता होगा, इसको अपने पैरों पर चलाया भी जा सकता होगा, तो इसको चलाने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से कि ये दिव्यांश भाई और दुष्यंत भाई ने इन जीवों की प्राण रक्षा में आगे आकर इनकी प्राण रक्षा कराने का एक संकल्प लिया है, और यह हृदय से बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए और जीवों की प्राण रक्षा में बहुत ही सहयोग करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने के नाते हम कुछ न कुछ इन जीवों के लिए कर ही सकते हैं। तो मैं सारे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, यदि आपके आसपास कहीं भी कोई भी बेजुबान निराश्रित घायल जीव के प्राण संकट में हो तो कृपया हमारे पास तक सूचना पहुँचाएं। जय परोपकार जय परोपकार। अब देख सकते हो इसको हैंडल किया है, ले जाएंगे हम लोग इसको अपने साथ और इसको एक अच्छी जगह पहुँचाएंगे हम लोग। किस तरीके से दया का भाव रखते हैं सारे लोग इन जीवों के प्रति। यदि आपके आसपास भी ऐसा कोई जीव हो जो अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर तरीके से गुजार रहा हो तो कृपया हमारे पास तक सूचना पहुंचाएं। देख सकते हो अभी हम लोग इस कुत्ते को रेस्क्यू करके लाए। आप देख सकते हो किस तरीके से उसके पैर पास से दिखाएं कैमरामैन, किस तरीके से ये चलता होगा, और इसके चलने से आप देख सकते हो किस तरीके से इसके नाखून भी उखड़ने वाले हैं, इसकी कितनी दर्दनाक जिंदगी। आप देख सकते हो उसकी ये जांघ किस तरीके से घाव हो रहे हैं इसके, और यह उन सभ्य मनुष्यों की बस्ती में रहती है जिसको कि सभ्य मनुष्य बोला जाता है। तो कोई भी इसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए इसके साथ सहानुभूति रखने की कोशिश नहीं की गई। अभी हम लोग इसको एक दो दिन अपने पास रखेंगे और फिर इसके बाद इसको सुरक्षित एक स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। जी सेवक कुत्तों की सेवा करते हैं अपने यहाँ, जिन्होंने ऐसे कुत्तों के लिए व्यवस्था बना रखी है, हम लोग इसको वहाँ पर पहुँचा देंगे। तो कृपया मैं सारे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपके आसपास कहीं भी कोई भी प्रकार का जीव हो तो कृपया उसके साथ सहानुभूति दिखाएं, क्योंकि इसके भी दर्द होता है, इसके भी पीड़ा होती है, इसको भी मदद की आवश्यकता है, यह भी जीना चाहता है। अब देख सकते हो हम दो दिन पहले इस कुत्ते को लेके आए थे कस्बा सादाबाद से, जिसके पैर टूटे हुए हैं। अब हमारे आसपास क्या है कि कोई भी ट्रीटमेंट की या ऐसी सुविधा नहीं है, मैंने इसको अपने घर पर रखा। अब आज हम इसको एक सुरक्षित जगह जहाँ पर के कुत्तों का ट्रीटमेंट किया जाता है और वह लोग इसको आश्रय देंगे और अपने यहाँ रखेंगे, क्योंकि निराश्रित है ये, अपने खाने के लिए और पीने के लिए जब भी कहीं जाएगी या सड़क पर घिसटेगी तो इसके पैरों में बहुत ही जख्म हो रहे हैं गहरे गहरे, तो इसको वहाँ पर खाने का पीने का पूरा प्रबंध किया जाएगा। तो अब हम
आपको दिखाएंगे, पहुंच के अपनी वीडियो में आगे डालेंगे किस तरीके से हमने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया। आप देख सकते हो ये जो हमारा डॉग था जी, उसको हमने यहाँ पर सुरक्षित छोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो अंदर से फोटो लेना मना है, तो हम उल्लंघन नहीं करेंगे। हमने हॉस्पिटल है बहुत ही अच्छा प्यारा, आगरा में पड़ता है, हम लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया। मुझे बहुत ही संतोष, बहुत ही शांति, बहुत ही अच्छा लगा कि हमने किसी जीव की सहायता की। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने कि उसको तुरंत ही बिना नानुकुर किए अपने आश्रय में लिया, उसको तुरंत ही ट्रीटमेंट किया और अब वो यहाँ पर अपने दिन चैन से सुकून से काटेगा। अब देख सकते हो कितने डॉग्स हैं यहाँ पर, कितनी अच्छी तरीके से रहते हैं। सारा खाने पीने का प्रबंध इन्हीं लोगों का होता है। तो मैं सारे भाइयों से निवेदन करता हूँ, यदि आपके आसपास कहीं भी कोई भी बेजुबान निराश्रित घायल जीव के प्राण संकट में है तो कृपया हमारे पास तक सूचना पहुँचाएँ। आपसे जितना बन सकता है उनकी मदद कीजिए, और यदि आपको लगे कि हमारी मदद से बाहर है तो आप लोग हमारे पास तक सूचना पहुंचा सकते हैं। हम लोग, हम व्यक्ति, हम में से कोई भी व्यक्ति आके उस जीव की जितनी भी हमसे हेल्प हो सकती है, उसकी प्राण रक्षा हो सकती है, उतना हम करते हैं और सदा करते रहेंगे। जय परोपकार, जय परोपकार। और एक बार इन अस्पताल वाले सर को, डॉक्टर साहब को और इन सारे भाइयों को मैं बार बार धन्यवाद दूंगा कि इनकी इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी सेवा, कोट कोट प्रणाम है ऐसे ऐसे मनुष्यों को, जो कि धरती पर मनुष्य ही नहीं एक देव तुल्य हैं, जो इन बेजुबानों की इस तरीके से मदद, इस तरीके से सहायता करते हैं जैसे कि यह इनके ही बच्चे हों। जय परोपकार, जय परोपकार।